हेलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो और महफूज हो। मेरी बस यही एक दुआ है ऊपर वाले से कि वो हम सबको हर छोटी बड़ी बीमारियों से दूर रखे और महफूज रखे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपका स्वागत है, और जितने लोगों ने भी चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, उन सबको मेरा थैंक यू। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आज क्या है। सुबह का जैसा नॉर्मल काम होता है, इनको घास जहाँ है वहाँ बांधना है, उनको बांध दिया है, अभी इनको खाना देना है। तो ये मेरे पीछे आया है, अभी देखिए ये वो जो बिल्लियाँ है ना, उनके पीछे दौड़ रहा है। नाश्ता हमने कर लिया है, आज इडली और सांभर बना था। मैं वो पूरा दिखाकर लंबा नहीं करना चाहती वीडियो को। आज मैं आपके साथ दूसरा एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आज के करी के लिए चाहिए थोड़ा सा नारियल। तो मेरी माँ बैठ के उसको निकाल रही है। हम इस नारियल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बाद में इसको पीस कर ग्रेवी बना लेते हैं। ये है हमारा नारियल खुरचनी, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आजकल सबको कमर में दर्द, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द है ना, तो इसी तरह का खुरचनी अभी मार्केट में मिलता है। इस तरह प्लेट रखने के लिए भी जगह दिया है, स्टूल में बैठने जैसा। इस पर बैठ कर हम नारियल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो नारियल को मैंने एक चम्मच तेल में अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। साथ में मैंने डाला है 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ते, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा। इन सबको साथ में मिलाकर मैंने इसको ड्राई भून लिया है। उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, तो मैं उतने में फटाफट कपड़े धो देती हूँ। ये सब रोज़ का काम होता है, पर मैं रोज़ कपड़े धोना, बर्तन करना, ये सब दिखाऊं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं अक्सर इसी पत्थर पर कपड़े धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में मुझे कपड़े धोना उतना पसंद नहीं है। ओह, ये साबुन तो बहुत झागदार है। ओह बाप रे, ऐसे तो घर पर वॉशिंग मशीन है। ड्रायर ख़राब होने पर मेरी आंटी ने मेरी माँ को उनका वॉशिंग मशीन दे दिया था। अभी उसका वॉशर काम नहीं करता, तो एक का वॉशर काम करता है तो एक का ड्रायर। एक में धोते हैं तो एक में सुखाते हैं। मुझे उन झमेलों में नहीं है पड़ना, तो मैं इस पर ही धोती हूँ। और मेरा ये मानना है कि इस पर कपड़े ज़्यादा साफ़ होते हैं। खैर ठीक है, चलिए कर लेते हैं बाकी का काम। तो ये लिया है मैंने करी के लिए सब्जियाँ। सज्जन की फली, टमाटर, कच्चा आम, छोटी प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता। कढ़ाई गर्म होने पर मैंने सारे सब्जियों को मिला लिया है। मैंने थोड़े छोटे प्याज लिया था, 2 सज्जन की फली या ड्रम स्टिक्स को लिया था, 2 छोटे टमाटर और एक छोटा सा कच्चा आम, 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ता। इन सबको पानी देकर थोड़ा नमक डालकर पका लेते हैं। इस तरह उबाल आने पर वो जो हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ था नारियल, उसको इस तरह पानी मिलाकर पीस कर इन सब्जियों के साथ नारियल के पेस्ट को मिला लेते हैं। नमक चेक कर लीजिए और करी बनकर तैयार है। कच्चे आम के खटास से ये करी बहुत अच्छा लगता है। इसमें प्रॉन्स या श्रिम्प को मिलाने से ये करी और ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये हम तोड़ लाए थे ना अगत्ती या अगस्त्या का पत्ता, ये आज हम इसकी सब्जी बनाते हैं। ठीक है, ये पत्तियाँ देखने पर इमली का जो पत्ता होता है ना, उसी तरह दिखता है, पर ये थोड़ा और लंबा होता है और थोड़ा बड़ा होता है। हम पहले इसको अच्छे से धो लेते हैं। इसका जो टेस्ट है ना, वो सज्जन की फली है ना, ड्रम स्टिक्स या मुरिंगा लीव्स, उसका जो टेस्ट है सेम टू सेम है। दोनों में भी बहुत सारा न्यूट्रिटिव वैल्यूज होने की वजह से आप इसको ज़रूर बनाकर खाना। इसे अच्छे से धोकर इनकी पत्तियों को इस तरह निकाल लेना है। उसका जो डंड है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बस इन पत्तियों को हल्के हाथों से इस तरह निकाल कर, सारे पत्तियों को हम इसी तरह निकाल लेते हैं और इस तरह बारीकी से आप काट लीजिए इसको। इसको बिना काटे भी बना सकते हो, मैं इसको हमेशा काट के ही बनाती हूँ। हमने सबको अच्छे से काट लिया है, अभी चलिए दिखाती हूँ मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ये थोड़ा कड़वा होता है, तो इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा जो चावल का कच या राइस वाटर जो है उसको मिला लेती हूँ,
इसको मिलाने से ये थोड़ा टेस्टी भी बनता है और वो उसका जो कड़वाहट होता है ना हल्के से, वो थोड़ा बैलेंस भी हो जाता है। तो मैं एक छोटे कप में थोड़ा ये पानी निकाल लेती हूँ। मैंने थोड़े शैलेट्स या छोटे प्याज, सांबर ऑनियन जिसको कहते हैं, उसको भी साफ़ कर लिया है। अगर सांबर ऑनियन नहीं मिला तो आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इन छोटी तीखी मिर्चियों को यूज़ करूँगी आज। आप हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसको यूज़ करूँगी। मिर्ची को भी हमने धो लिया है। अभी हम देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या चाहिए ये बनाने के लिए। मैंने लिया है जीरा, राई, नमक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये जो पत्ता है वो, तेल और वो चावल का पानी। तेल को कर लेते हैं गरम। तेल गरम होने पर हम डाल लेते हैं इसमें राई, फिर मिला लेते हैं इसमें जीरा, प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची। इन सबको अच्छे से एक बार भून लेते हैं। इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मिला लेते हैं हल्दी और काली मिर्च का पाउडर। हमने पहले ही इसमें हरी मिर्च को मिलाया है तो अपने तीखे के हिसाब से काली मिर्च के पाउडर को आप कम ज़्यादा कर लीजिए। नमक को ज़रूर मिला लीजिए, मैं भूलना भूल गई थी। इसको अच्छे से एक बार भूनने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं अभी राइस वाटर या वो जो चावल का पानी है वो। एक उबाल आने पर हम इसमें मिला लेते हैं कटा हुआ अगत्ती के पत्ते। एक बार इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। आप अगत्ती के जगह पर मुरिंगा लीव्स या दूसरे हरी सब्जियां जो होती हैं उनको भी इसी तरह पका सकते हो। अब इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। इसका जो पानी है वो पूरी तरह से सूखना ही है, ऐसा नहीं है। इसको सूप की तरह भी आप पी सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। बस इतना ही, ये अभी खाने के लिए तैयार है। और ये रहा हमारा करी, ये भी बनकर तैयार है। इसमें हम तड़का या झोंक नहीं लगाएंगे। हम साथ में कर लेते हैं थोड़ा सा श्रिम्प को फ्राई। खाना तो हम आसानी से खा लेते हैं, मज़े से खा लेते हैं। उसके बाद का जो काम होता है ना, बाकी का दिन सारा उन्हीं कामों में निकल जाता है। किचन को साफ़ करो, बर्तन को धो लो, घर को साफ़ करो, इसी में पूरा दिन निकल जाता है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे लिखकर बताइए, और ज़रूर बनाकर देखना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओमिक्रॉन का टाइम है, आप सब प्लीज़ 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 सेफ रहना और हेल्दी रहना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना।